हेलो दोस्तों, आज हम एक कहानी के माध्यम से फिक्स डिपॉजिट के बारे में जानेंगे। इनका नाम प्रभु है और इन्होंने पिछले एक साल में अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा करके 1 लाख रुपए जमा किए। अब ये अपने घर में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि इस 1 लाख रुपए को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, और बहुत समय सोचने के बाद डिसाइड किया कि फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए। अगले दिन प्रभु अपने घर के नज़दीक वाले बैंक में जाते हैं और वहाँ के मैनेजर से डिस्कस करते हैं, और फिक्स डिपॉजिट के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस समझने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देना चाहिए। फिर एक साल के बाद प्रभु ने जब अपना फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट देखा तो काफ़ी खुश हुए, क्योंकि अब उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ गए। सो क्या है फिक्स डिपॉजिट स्कीम? इस स्कीम में आप एक लमसम पैसा अर्थात अपनी जमा पूंजी को एक साथ इन्वेस्ट करते हैं, एक फिक्स टाइम के लिए और एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। इसका मतलब इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में सब कुछ फिक्स है। प्रिंसिपल फिक्स है, मतलब आप कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। टेन्योर फिक्स है, मतलब आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और इंटरेस्ट रेट भी फिक्स है, मतलब आपके टेन्योर के बाद आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। चलिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं एक साल के लिए 5.5% के रेट में, तो एक साल के बाद आपको 5,500 रुपीस ही मिलेगा। ज्यादातर स्कीम आपको एक साल समाप्त होने पर ही आपको आपका पैसा और इंटरेस्ट दोनों एक साथ लौटाएंगे, और ये सारे कंडीशंस इन्वेस्ट करने के पहले ही आपको बता दी जाएगी। इस स्कीम की खास बात यह है कि आपका इंटरेस्ट रेट आपके टेन्योर के दौरान कभी चेंज नहीं होगा, भले ही मार्केट में कोई भी इंटरेस्ट रेट चल रहा हो। इसलिए कहा गया है कि फिक्स डिपॉजिट सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम डिस्कस करेंगे। आप फिक्स डिपॉजिट कोई भी टेन्योर का या किसी भी अमाउंट का शुरू कर सकते हैं। आप मिनिमम 7 दिन के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या 10 साल के लिए भी कर सकते हैं। और इस स्कीम से जुड़ने के लिए आप मात्र 100 रुपए से भी आरंभ कर सकते हैं, और इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। ये ध्यान रखें कि RBI ने बैंक को पूरी छूट दी है इंटरेस्ट रेट्स को डिसाइड करने के लिए। सो आप इन्वेस्ट करने से पहले अलग अलग बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स को एक बार कंपेयर कर लें। उदाहरण के लिए हमने आपके सामने कुछ बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स को प्रेजेंट किया है। जो सीनियर सिटीजन है उन्हें ज़्यादातर समय 0.5% इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है, मगर हम फिर से ये कहना चाहेंगे कि आप एक बार अपने बैंक से कन्फर्म कर लीजिए। अब हम फिक्स डिपॉजिट के कुछ फायदे डिस्कस कर लेते हैं। पहला, अश्योर्ड रेट ऑफ रिटर्न, अर्थात इन्वेस्ट करने के पहले ही आपको मालूम होगा कि आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है। दूसरा, फ्लेक्सिबल टेन्योर, अर्थात आपको कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है ये आप पहले ही डिसाइड कर सकते हैं। तीसरा, इजी लिक्विडेशन, अर्थात आपको फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से पैसे अपने सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कोई दुविधा नहीं होगी। और चौथा, लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट, अर्थात आपको अपने फिक्स डिपॉजिट के आधार पर बहुत ही सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन भी मिल सकता है। अब हम कुछ डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट। अगर हम कुछ सालों का ट्रेंड नोटिस करें तो इंटरेस्ट रेट्स कम होती जा रही है। एक समय में फिक्स डिपॉजिट 7-8% इंटरेस्ट दिया करता था, और आज के समय में अराउंड 5.5% मिल रहा है। इस कारण से ये स्कीम अभी कम आकर्षक होती जा रही है। दूसरा, लॉक्ड इन फंड्स, अर्थात एक बार जब आपने इन्वेस्ट कर दिया फिर आप उस पैसे को कहीं और यूज नहीं कर पाएंगे। तीसरा, पेनल्टीज ऑन विड्रॉल, अर्थात मान लीजिए आपने एक साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया है और 8वें महीने में आपको पैसे की जरूरत पड़ गई और आपने एक साल पूरे होने के पहले ही अपने फिक्स डिपॉजिट को तोड़ दिया, तो आपको एक छोटी सी पेनल्टी पे करनी होगी जो आपके प्रॉफिट से ही कटेगा। और चौथा डिसएडवांटेज, नो टैक्स बेनिफिट, अर्थात आप जितना भी पैसा फिक्स डिपॉजिट से कमाएंगे वो आपके इनकम का एक पार्ट होगा और आपको अपने टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। और पांचवा, फिक्स इंटरेस्ट रेट, अर्थात मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता भी है तो आपको उसका लाभ नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट करने के पहले जो डिसाइड किया गया है उतना ही मिलेगा। सो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि फिक्स डिपॉजिट स्कीम उन्हीं लोगों के लिए अच्छा है जिनकी रिस्क लेने की क्षमता कम है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में रिस्क नहीं है,
इसलिए प्रॉफिट भी लिमिटेड है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।